friends. Today I will deliver a lecture on the topic lipids. In this topic I will cover the basic property of lipid and their classification. Here fat and its derivative are commonly known as lipid. Lipid क्या है? Lipid fat का एक derivative है. तो fat क्या है? Fat is also a type of lipid. Fat is also a type of lipid. तो fats and its derivative are commonly known as lipid. This term was given by Bloch. These are the some facts. कुछ facts हैं जो बार बार examination में पूछे गए हैं, तो उन्हें हमको जान लेना चाहिए. तो जब was given by Bloch, they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate भी carbon, hydrogen और oxygen से ही बना था, लेकिन उसका एक empirical formula था CH2O and बाहर N, या हम लोग उसको कहते थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन की नंबर्स इक्वल थे, C6H12O6. तो कार्बन और ऑक्सीजन लगभग समान स्थिति में बने हुए थे. यहां पर दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज लेस इन कंपैरिजन टू कार्बन. यहां पे लिपिड के केस में ऑक्सीजन की संख्या बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन, क्योंकि कार्बन के लॉन्ग चेन्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन होते हैं और लास्टली एक एसिड लगा होता है COOH. अभी हम आपको बताएंगे. तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. नेक्स्ट पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर. लिपिड आपको पता है इनसॉल्युबल इन वाटर है. लिपिड मींस लाइक ऑयल इज टाइप ऑफ लिपिड. ऑयल को अगर आप पानी में डाल दीजिए तो क्या होगा? दे आर नॉट मिक्स्ड अप. कुछ देर बाद ही आपको दोनों के लेयर्स अलग अलग दिखने लगते हैं. तो लिपिड्स आर नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, लाइक बेंजीन, इनमें क्लोरोफॉर्म में लिपिड सॉल्युबल हो जाता है. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल. नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर. आपने जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स देखे वो सब पॉलीमराइज फॉर्म है. कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमराइज फॉर्म. मोनोमेरिक यूनिट इज ग्लूकोज, मे बी सम अदर मोनोसैकेराइड्स. आप न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमेरिक फॉर्म. देन अगेन आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन आपने देखा कि दे आर अ पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड. बट द लिपिड, लिपिड को हमने पहले भी जब आपको बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो वहां बताया था इट इज नॉट पॉलीमर, और इसके बेसिस पे हम इसको जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखते थे. लेकिन बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी, कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जब इसको क्लासिफाई किया गया तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इसको हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखना पड़ा. तो लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो पॉलीमराइज्ड फॉर्म नहीं है. तो लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर. लिपिड्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. हमको एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देगा, लिपिड उसके कंपैरिजन में हमको जस्ट डबल एनर्जी देता है. अगर आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और एक ग्राम घी लेते हैं, घी इज अ टाइप ऑफ लिपिड, तो अगर हम देखेंगे तो एनर्जी हमको वहां से ज्यादा मिलती. तो वही जब हम ज्यादा
एनर्जी लेने लगते हैं तो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं इन फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर और पर्सन ओबेसिटी की तरफ मूव करने लगता है। देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसराल। फैटी एसिड जब ग्लिसराल के साथ एस्टरीफाइड हो जाए तो सबसे सिंपल फैटी एसिड है, सबसे सिंपल लिपिड बनाएगा। सिंपल लिपिड इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड किसके साथ? ग्लिसराल के साथ या किसी एल्कोहल के साथ, नॉट ऑलवेज विद ग्लिसराल। जब ये किसी एल्कोहल के साथ स्टरीफाइड हो जाए फैटी एसिड, तो एसिड और एल्कोहल स्टरीफिकेशन होगा तो यहां पर ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपल लिपिड में केवल एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विद एल्कोहल। तो फैटी एसिड आपको पता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, यहां भी ये सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगे और लास्ट में जाके यहां पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं, एसिड बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड। तो ये आपका फैटी एसिड होगा। तो अभी हम आपको इसकी डिटेल में बताएंगे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू ट्रू फैट्स एंड वैक्सेस। तो वैक्सेस इज ऑल्सो अंडर द सिंपल लिपिड्स क्योंकि ये भी स्टरीफिकेशन है केवल एल्कोहल का और फैटी एसिड का। ट्रू फैट्स एंड वैक्सेस। अगेन कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड एज द नेम सजेस्ट कंपाउंड, इट मीन्स कि यहां पर आपका स्टरीफिकेशन ऑफ फैटी एसिड तो हुआ ही है, साथ साथ अदर ग्रुप भी इसके पास है। कंपाउंड में हमेशा हमने देखा कि कंपाउंड होने का मतलब है कि उसके पास एक एडिशनल ग्रुप है, एक एडिशनल ग्रुप है जो कि लिपिड पार्ट हम उसको या फैट या एल्कोहल में नहीं रखते, वो फैट और एल्कोहल का पार्ट नहीं है लेकिन वो जाके उससे अटैच हो गया है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड लिपिड्स में यहाँ पे आपको फास्फोलिपिड दिख रहा है, ये जो फास्फो पार्ट है, फास्फो पार्ट इज द अदर ग्रुप पार्ट। ग्लाइकोलिपिड मीन्स ग्लाइको, ग्लाइको मीन्स द कार्बोहाइड्रेट। एनी कार्बोहाइड्रेट व्हेन अटैच्ड विद द लिपिड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, इट इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड। फास्फोलिपिड इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड। स्टिंगोसिन ये नाइट्रोजन बेस्ड एल्कोहल है, तो जब ये भी अटैच हो जाता है लिपिड के साथ इट इज कॉल्ड स्फिंगोलिपिड। लाइपोप्रोटीन, व्हेन अ प्रोटीन इज अटैच्ड विद द लिपिड मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। तो ये आपके कंपाउंड लिपिड हैं, इसमें से कुछ उदाहरण, बहुत सारे कंपाउंड लिपिड हैं, इसमें से कुछ हमने लिखा है जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड लाइपो प्रोटीन। एंड हियर द डिराइव्ड लिपिड्स, अगेन देयर इज अ क्लासिफिकेशन लेकिन हम डिराइव्ड लिपिड पे पहले जा रहे हैं। डिराइव्ड लिपिड कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स, हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स, इनकी साइड चेन्स बहुत ही लंबी होती हैं और कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स, इनमें हाइड्रोकार्बन की रिंग्स होती हैं प्लस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। देखिए यहां पे ग्लाइकोलिपिड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, ग्लाइकोलिपिड सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड्स। इन सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड इनके बारे में जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, या यहां पे भी अभी हम सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये ब्रेन सिस्टम में काम करते हैं, तो सेरिब्रोसाइड गैंग्लियोसाइड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड इज अगेन क्लासिफाइड इन फास्फेटिडिक एसिड, फास्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफाइलिन, प्लाज्मेलोजेंस एंड स्फिंगोमाइड। तो फास्फेटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफाइलिन, प्लाज्मेलोजेंस एंड स्फिंगोमाइड, इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, तो इसके बारे में हम आपको इस पूरे चैप्टर में इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देंगे। फास्फोलिपिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, लेसिथिन कहाँ होगा, ये स्पिंगोमाइलिन्स आपने न्यूग्राउंड पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपको माइलिन सीथ और इस का जिक्र हुआ होगा, तो वहाँ पे आप ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने सुन रखी हैं, उसमें हम आपको यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि कंपाउंड लिपिड्स में फास्फोलिपिड को हमने क्लासिफाई कर दिया, ग्लाइकोलिपिड को क्लासिफाई कर दिया, बाकी अदर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना आपके कोर्स में है और जितने पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं केवल वही पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम ट्रू फैट्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रू फैट्स है क्या, हम यहां से शुरू करेंगे, ट्रू फैट्स देन वैक्सेस। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में ट्रू, तो हमने यहां पे डेफिनेशन देखी कि स्टरीफिकेशन ऑफ फैट विथ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH. When this glycerol is reacted with the fatty acid, तो fatty acid में क्या होगा? C और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अगर यहां पे भी हम देख लें, एच ओ ओ सी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आर टू प्लस आर थ्री, व्हेन एन अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एन एसिड There is a esterification. तो यहां पे एक H2O molecule यहां से निकल जाएगा और जो product बनेगा वो product बनेगा CH2OC OR1 नीचे CHOC OR2 आपके, तो ये आपका एक ट्राइग्लिसराइड बन। तो व्हेन अ थ्री फैटी एसिड रिएक्टेड विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, देन जब तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेंगे तो वो एक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेगा। जब एक करेगा केवल एक ही फैटी एसिड हो और वो स्टरीफिकेशन कर रहा हो, देन इट इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड। When two fatty acid reacted with the glycerol, then it is called diglyceride. तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड, इसका मतलब यह है मोनो मीन्स एक फैटी एसिड चेन है जो ग्लिसराल के साथ स्टरीफाइड हो रही है, डाइग्लिसराइड इट मीन्स टू फैटी एसिड है जो ग्लिसराल के साथ स्टरीफाइड हो रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड इट मीन्स थ्री फैटी एसिड जब आपके साथ आपके तीनों फैटी एसिड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड
ट्राइग्लिसरीड। This fat molecule is act as a pehla reserve food material, reserve food material. ये आपका reserve food material है. Reserve food material का मतलब है कि जब आप glucose नहीं ले रहे हो, diet में carbohydrate नहीं ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ये फैट टूटेगा बाय द बीटा ऑक्सीडेशन, एस्टिल कोएंजाइम ए बनेगा और एस्टिल कोएंजाइम ए आपका डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपको एटीपी सिंथेसाइज होगी और एनर्जी मिल जाएगी. तो दिस फैट मॉलिक्यूल इज एक्ट एज अ रिजर्व फॉर मटेरियल. इसका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम एक ओबेस पर्सन को या एक ओवरवेट पर्सन को जिसके पास स्टोर्ड फैट है उसको हम स्टार्वेशन कंडीशन पे डालते हैं तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है इन कंपैरिजन टू लिंथिन या अंडर नरिश्ड पर्सन. क्योंकि अंडर नरिश्ड पर्सन या लिंथिन पर्सन या हम कहें एक सामान्य व्यक्ति भी उसके पास जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है या स्टोर्ड फैट बहुत मात्रा में नहीं है वो स्टार्वेशन कंडीशन में बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो ये एक पॉइंट है कि दिस एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. तो यहां देखिए ओबेसिटी के ओबेस पर्सन के पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, अदरवाइज बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट. तो स्टार्वेशन कंडीशन ऐसी आजकल कोई दिक्कत तो आने रही कि किसी को स्टार्वेशन कंडीशन में रखा जाए या अंटिल अनलेस कि वो खुद से अनशन पर ना बैठ जाए. तो इट्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. अगेन जो स्टोर्ड फैट होता है इट एक्ट्स एज अ कुशन मटेरियल. कुशन मटेरियल इट मींस कि कुशनिंग, जैसे कुशन होता है आप दबाएंगे फिर अपनी स्थिति में आ जाते हैं, दबाते हैं अपने. तो कुशन होने का मतलब क्या है, या कुशन या इसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं. शॉक एब्जॉर्बर इट मींस कि अगर कहीं पे आप अचानक से गिर जाते हो तो जिसके पास फैट होता है वो फैट मॉलिक्यूल दबता है और फिर बाहर, तो वहां पर उनकी बोन्स में बहुत अंदर तक पेनिट्रेशन नहीं होता. तो जो फैटी इंडिविजुअल है उसको बोन फ्रैक्चर से वो बचता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू आर द दिस रिजर्व मटेरियल. तो इट्स आल्सो एक्ट एज अ कुशन एंड सॉफ्ट एब्जॉर्बर. ये अनदर प्रॉपर्टी हो गई. द थर्ड प्रॉपर्टी इट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर. होने का मतलब क्या है, इंसुलेशन मतलब जब बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन हो, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो जा रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर एक फैटी व्यक्ति के पास जिसके पास फैट है या ठीक है तो वो उस ठंड के प्रति, क्योंकि बॉडी को अपनी होमियोस्टेसिस मेंटेन करनी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बॉडी को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने देता. तो दिस इज आल्सो एक्ट एज अ इंसुलेटर, आल्सो एक्ट एज अ इंसुलेशन मटेरियल. तो यहां पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बता दी सिंपल फैट में. अब हम चलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो यहां पे इसको हम ट्रू फैट को दो भागों में डिवाइड करते हैं. वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड लिपिड, एंड अनदर वन इज द अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड इट मींस कि जब हाइड्रोकार्बन चेन फुली सैचुरेट है, कार्बन उसकी पूरी तरह से सैचुरेट है हाइड्रोजन से,
उसमें किसी अनदर बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है विद द हाइड्रोजन एंड अनदर कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड लिक्विड्स। सैचुरेटेड लिक्विड्स जब भी होगा तो ये आपको सॉलिड और सेमी सॉलिड मॉर्फोलॉजी देगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड मॉर्फोलॉजी देगा। तो आपने इसका सैचुरेटेड फैट में इसका एग्जांपल देखा होगा, लाइक बटर, बटर बटर इज अंडर द सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट ही आपके बॉडी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू के में स्टोर होती है। तो आप जब बटर लेते हो, बटर इज अ सैचुरेटेड फैट, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वहां हम कह सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड लिक्विड है, लाइक सोयाबीन ऑयल, लाइक सनफ्लावर ऑयल, लाइक मस्टर्ड ऑयल, दे आर हैविंग मोर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। तो जब कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड बॉन्ड मिलते हैं तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। तो अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड के एग्जांपल है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक, लिनोलेनिक, लिनोलेइक, ये तीनों इसेंशियल भी हैं। तो मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर इसेंशियल, दे आर नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, दे आर मोस्टली अ प्लांट प्रोडक्ट। तो ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और इनकी क्या होती है, बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं करती। तो जो चीजें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती उनकी जरूरत हमको डाइट में होती है। तो डाइट में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसे हम इसेंशियल कहते हैं। तो ये तीन आपके बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, अनसैचुरेटेड, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, एक तो ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं और साथ साथ ये इसेंशियल भी हैं। तो इन पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल, पामिटिक एसिड इज नॉट अ इसेंशियल। पामिटिक एसिड बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है फैट का, कि हम सैचुरेटेड में अगर हम डाल दें पामिटिक एसिड तो पामिटिक एसिड वो 16 कार्बन का एक सैचुरेटेड फैट है, ठीक है। लेकिन उसमें उसके सारे पामिटिक एसिड में सारे सैचुरेटेड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आर फाउंड इन ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल लिपिड। अब हम आपको वैक्स के बारे में बताते हैं। वैक्स, वैक्स में कुछ नहीं है, जिसमें पूछा जाता है केवल एक सिंपल लाइन है कि वैक्स इज अ एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ मोनोहाइड्रिक विथ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो वैक्स क्या है, वैक्स इस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब केवल एक सिंगल हाइड्रोक्सिल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वैक्स में आपने देखा है कि वैक्स आपको ईयर वैक्स आपने देखा है, वो सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। आपने मोमबत्तियां देखी होंगी, मोमबत्तियों में वैक्स यूज होता है। जो मधुमक्खियां हैं हमारी वो हनी भी देती हैं और वैक्स भी देती हैं, तो वो आपको जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही दिखता है। तो जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे वो लिक्विड फाइल में, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। तो ये इस तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो
दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल लिपिड. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बताएंगे. तो टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ. इस चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए और लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए.